लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। समारोह में प्रदेश के हमारे कर्मठ और लोकप्रिय अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री वित्त संसदीय कार्य और चिकित्सा शिक्षा के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ के में संगठन के प्रभारी श्री गोविंद नारायण शुक्ल जी, महानगर के अध्यक्ष मुकेश शर्मा जी, जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण लोधी जी, महामंत्री श्री अमरपाल मौर्य जी, प्रदेश मंत्री डॉक्टर चंद्रमोहन जी, मान्य सांसद श्री कौशल किशोर जी, महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, मान्य विधायकगण श्री सुरेश श्रीवास्तव जी, श्री सुरेश तिवारी जी, डॉक्टर नीरज बोरा जी, श्री अविनाश त्रिवेदी जी, श्रीमती जय द्विवेदी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजेंद्र कुमार तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी जी, पुलिस महानिदेशक श्री हितेश चंद अवस्थी जी, अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल जी और भारी संख्या में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और उपस्थित भाइयों बहनों, 4 वर्ष की उपलब्धियों के साथ ही विभिन्न लाभार्थी परक योजनाओं का एक कार्यक्रम प्रदेश के सभी 75 जनपदों में संपन्न हो रहा है। 4 वर्ष की इस यात्रा के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, देश के माननीय गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समेत सभी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, प्रदेश की अपनी टीम, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और प्रदेश के जनता जनार्दन का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने बहुत सकारात्मक माहौल में प्रदेश के अंदर विकास, सुरक्षा और सम्मान का एक बेहतर वातावरण पिछले 4 वर्षों के अंदर बनाया है। भाइयों बहनों, 4 वर्ष का एक कार्यकाल प्रदेश का रिफॉर्म का, परफॉर्म का और ट्रांसफॉर्म का रहा है। आज से 4 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक देश के अंदर या दुनिया के अंदर कहीं जाता था तो लोग उसे शक की निगाह से देखते थे, हीन भावना के साथ देखते थे, क्योंकि उन्हें लगता था ये कैसे प्रदेश में है जहां पर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं, जहां पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जहां पर अराजकता है, कोई पर्व और त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से नहीं मनाए जा सकते हैं। ये उस प्रदेश के हाल थे जो प्रदेश भारत की धार्मिक और आध्यात्मिक व्यवस्था की आत्मा कहा जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश, लीलाधारी भगवान कृष्ण की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश, माँ गंगा और माँ यमुना का संगम स्थल उत्तर प्रदेश, तमाम अन्य आध्यात्मिक और देश को दुनिया के सामने एक नई पहचान के रूप में रखने वाले महापुरुषों की भूमि उत्तर प्रदेश, देश को सर्वाधिक प्रधानमंत्री देने वाला प्रदेश किस भाव से, किस कदर शक की निगाहों से घिरा हुआ था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं था। लेकिन पिछले 4 वर्ष के दौरान आज उत्तर प्रदेश का वासी देश के अंदर और दुनिया के अंदर कहीं भी जाएगा तो बड़े सम्मान के साथ उसको लोग देखते हैं, उसके अंदर एक नया आकर्षण देखते हैं, ढूंढने का प्रयास करते हैं और ये पूछते जरूर होंगे, अच्छा आप उत्तर प्रदेश से आए हैं, प्रदेश के बारे में, प्रदेश सरकार के बारे में, प्रदेश के जनप्रतिनिधियों के बारे में लोगों के मन में एक नई धारणा बनी है कि नहीं, अब ये पुराना उत्तर प्रदेश नहीं, ये प्रदेश अब नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, प्रधानमंत्री मोदी जी के सपनों को साकार करने वाला उत्तर प्रदेश है। और ये जो सम्मान का भाव पैदा हुआ है, ये केवल मेरे लिए नहीं, मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री
या मंत्रियों के लिए नहीं, केवल संगठन के पदाधिकारियों के लिए नहीं, प्रदेश के 24 करोड़ जनता के सम्मान को, स्वाभिमान को बढ़ाने वाला ये अवसर है। और इन 4 वर्षों में इस प्रदेश को हम लोगों ने बीमारू प्रदेश से एक समर्थ प्रदेश की ओर अग्रसर किया है। अनेक प्रकार के कार्य हुए हैं, कोई फील्ड अछूता नहीं है। हमने 2017 के प्रारंभ में विधानसभा चुनाव जब प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुए थे, उस समय लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया था और लोक कल्याण संकल्प पत्र को हम लोगों ने गीता मान करके उसके एक एक पंक्ति को अक्षर सह पालन करने का प्रयास किया और उसको धरातल पर उतार करके लोक कल्याण का पथ प्रशस्त करके प्रदेश को आज बीमारू से समर्थ प्रदेश बनाने में सफलता प्राप्त की। आज उसी का परिणाम है। कोई भी फील्ड हो प्रदेश के अंदर, उसमें प्रदेश आज देश के अंदर अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। मुझे याद है प्रधानमंत्री आवास योजना में जब हम 2017 में आए थे, उत्तर प्रदेश का स्थान 23वां था और आज मुझे प्रसन्नता है 40 लाख गरीबों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना में एक एक आवास उपलब्ध करा करके नंबर एक स्थान पर है। 2017 में, मार्च 2017 में जब हम लोग आए थे, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अंदर 2.5 वर्ष में मात्र 45 लाख शौचालय बने थे और उत्तर प्रदेश का स्थान 27वें नंबर पर था, ओडीएफ में 27वें नंबर पर हम थे। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने इस लक्ष्य को मात्र 1.5 वर्ष के अंदर प्राप्त किया। 2 अक्टूबर 2019 से एक वर्ष पहले हम लोगों ने 2 अक्टूबर 2018 को उत्तर प्रदेश को ओडीएफ घोषित करके 2,61,00,000 गरीबों को एक एक शौचालय देने का काम प्रदेश के अंदर किया। भाइयों बहनों, प्रदेश के अंदर बिजली आती नहीं थी, आती थी तो जैसे डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने कहा कि वह एक समाचार बनता था कि आज तो बिजली आ गई, ऐसे लगता था जैसे बहुत बड़ी खुशी हो गई है। और यह तब था जब प्रदेश के अंदर 1,21,000 गांवों तक बिजली नहीं थी, यानी बिजली के खंभे नहीं थे। जब बिजली के खंभे नहीं थे तो वहां पे बिजली देने की आवश्यकता भी नहीं थी, वहां तक बिजली पहुंची ही नहीं थी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 1,21,000 गांवों में नए विद्युतीकरण के कार्य को संपन्न करने के साथ 1,38,00,000 गरीबों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाने के साथ जनपद मुख्यालयों में 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों में 20 से 22 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 16 से 18 घंटे की बिजली प्रदेश सरकार ने उपलब्ध करवाने के साथ ही इस सेक्टर में व्यापक कार्य आगे बढ़ाया। आज आप आते होंगे, उत्तर प्रदेश बिजली से चमकता हुआ दिखाई देता है। कहीं से भी आप घुसेंगे, नेपाल से घुसेंगे तो बिहार से घुसेंगे, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, हरियाणा से, उत्तराखंड से, कहीं से भी आप उत्तर प्रदेश में घुसेंगे, रात्रि में उत्तर प्रदेश का हर गांव जगमगाता हुआ दिखाई देता है। एक नए उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर है, यह बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है। सड़कों के क्षेत्र में क्या स्थिति थी, उत्तर प्रदेश की सीमा जहां से प्रारंभ होती थी गड्ढे प्रारंभ होते थे और गड्ढे प्रारंभ इस कदर गड्ढे थे, लोगों ने सड़क मार्ग से चलना बंद कर दिया था। लोगों को लगता था कि पैदल जाएंगे अच्छा है, सड़क कहीं दुर्घटना का कारण न बन जाए। बहुत सारी जगह तो ये नहीं तय हो पाता था कि ये खेत है, खलियान है या सड़क है, ये तय करने में भी दिक्कत होती थी। मैं देखता था भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि, उसमें मैं भी था, हम लोगों को बरसात के समय में सड़कों की स्थिति ऐसी होती थी कि उन सड़कों में ही धान की रोपाई करनी होती थी क्योंकि सड़क नाम की कोई चीज ही नहीं बची हुई थी। और कनेक्टिविटी के लिए जो बेहतर कार्य हुआ, आज आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की सड़कें इंटरस्टेट कनेक्टिविटी हो, जिला मुख्यालय की हो, तहसीलों से जोड़ने वाली हो, ब्लॉक खंडों से, गांवों से जुड़ी हुई सड़कें हो या एक्सप्रेस वेज के माध्यम से नए इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की जो कार्य पद्धति है,
इसने नए उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है, रोजगार सृजन की व्यापक कार्य योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। और भाइयों बहनों, वायु, प्रधानमंत्री जी ने कहा था उड़ान योजना के अंतर्गत एक गरीब हवाई चप्पल पहनने वाला भी जिस दिन हवाई जहाज की यात्रा करेगा तब हम देखेंगे भारत वास्तव में नया भारत है और उत्तर प्रदेश उस सपने को साकार कर रहा है। आज प्रदेश के अंदर 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं। जेवर का हमारा ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का सबसे बड़े एयरपोर्ट में एक बन रहा है। आने वाले 30 वर्ष में 1,00,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू अकेले उत्तर प्रदेश को केवल और केवल जेवर एयरपोर्ट देगा। ये 1,00,000 करोड़ रुपए जब उत्तर प्रदेश के विकास में लगेगा तो उत्तर प्रदेश में लाखों नौजवानों के लिए रोजगार का सृजन होगा, कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है, कभी भी उसको हम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा के साथ जोड़ सकते हैं। अयोध्या में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण की प्रक्रिया युद्ध स्तर पर चल रही है। लखनऊ और वाराणसी नए एयरपोर्ट के रूप में अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा के लिए पूरी सेवाएं यहां पर उपलब्ध करा रही हैं। हम लोग जब आए थे केवल 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे। आज गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर, आगरा, बरेली, हिंडन, ये 6 नए एयरपोर्ट इसके बाद प्रारंभ हुए और 17 पर कार्य चल रहा है। वर्तमान में 17 एयरपोर्ट पर काम चल रहा है जहां पर कोई सोचता नहीं था। आजमगढ़ जैसे जनपद ने समाजवादी पार्टी को न जाने कितनी बार नेतृत्व दिया, लेकिन आजमगढ़ उनके शासनकाल में आजमगढ़ का हर व्यक्ति सख निकाहों से देश के अंदर देखा जाता। आजमगढ़ का व्यक्ति जब कहीं जाता था, यहां पर जब स्वागत गीत गा रहे थे निरुवा जी, ये लोग जब मुंबई जाते थे तो मुंबई में इन लोगों को कमरा नहीं मिलता था। होटल में जाते थे तो होटल वाला पहले खुश होता था कि कोई ग्राहक आया है, और जैसे ही वो कहता था कि हम आजमगढ़ के हैं तो तत्काल कहता था होटल में जगह नहीं है। आज आजमगढ़ आतंकवाद के लिए नहीं, विकास के लिए जाना जा रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आजमगढ़ होते हुए जा रही है। आजमगढ़ में हमारा एक राज्य विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य प्रारंभ होने जा रहा है और आजमगढ़ विकास की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ एक नए एयरपोर्ट के निर्माण के साथ भी युद्ध स्तर पर एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य भी उसी आजमगढ़ में हो रहा है। ये विकास चेंज करता है, लोगों के जीवन में परिवर्तन का कारक बनता है। चित्रकूट में याद करिए, हजारों वर्ष पहले भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करके पुष्पक विमान से अयोध्या आए थे और हम तो अवध के वासी हैं, हजारों वर्षों के बाद भी हम वायु सेवा नहीं दे पाए। आज मुझे गौरव की अनुभूति होती है कि चित्रकूट में भी हम लोग पहाड़ की चोटी पर एयरपोर्ट बना रहे हैं, शानदार एयरपोर्ट बन रहा है वहां पर हमारा, शानदार एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। और अयोध्या में भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य हम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, श्रावस्ती में भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक चातुर्मास अपने व्यतीत किए थे, श्रावस्ती में विकास से छूता था। आज एयरपोर्ट का कार्य युद्ध स्तर पर हमारा वहां चल रहा है। सहारनपुर में, मेरठ में, अलीगढ़ में कोई सोचता था, ललितपुर में, बुंदेलखंड उपेक्षित था, आजादी के बाद से उपेक्षित था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की दृष्टि से आज विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ा है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। हमारा प्रयास है इस वर्ष के अंत तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में हम यातायात संचालन के लिए से प्रारंभ करेंगे। ये दोनों बैकबोन बनेगी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की। जिस दिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे एक साथ चालू होंगी, भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उस दिन होगी। उस दिन उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को फिर कोई उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य नहीं कहेगा। ये नए उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर सबके सामने रखते हुए
मुझे बहुत हार्दिक प्रसन्नता की अनुभूति है हो रही है। और भाइयों बहनों, ये हम सफल इसलिए हो पाए हैं क्योंकि हमारे सामने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और आप सबका, जनता जनार्दन का आशीर्वाद जो प्रदेश सरकार के साथ था। प्रदेश के एक एक सुधारवादी कदम को गांव ने, गरीब ने, किसान ने, नौजवान ने, महिलाओं ने इसको स्वीकारा। प्रदेश सरकार ने जो कदम उठाए कि नकल विहीन परीक्षा होनी है, तो यहां के नौजवानों ने सहर्ष उसको स्वीकार किया, हां हम नकल नहीं करेंगे। और नकल विहीन परीक्षा को माध्यमिक शिक्षा परिषद ने, उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के अंदर लागू करके एक नया शैक्षणिक माहौल प्रदेश के अंदर देने का कार्य किया। टेक्निकल एजुकेशन में, मेडिकल एजुकेशन में कितना परिवर्तन हुआ। 1947 से लेकर के 2016-17 तक केवल 12 मेडिकल कॉलेज, और 2016-17 से 2020-21 के बीच में हम लोग आज 30 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, 30। भाइयों बहनों, जो हमारे 16 जनपद बचे हुए हैं, उन 16 जनपदों के लिए भी कार्य योजना लेकर के हम लोग आ गए हैं कि इस वर्ष के अंत तक वहां पर भी हम शिलान्यास करके प्रदेश में 75 के 75 जनपदों में या तो राजकीय मेडिकल कॉलेज होंगे या पीपीपी मोड में एक मेडिकल कॉलेज हम जनता की विशेषज्ञ सेवाओं, चिकित्सा सेवा के लिए अवश्य उपलब्ध कराएंगे। आज प्रदेश के अंदर बन रहा है। जिस कमिश्नरी में कोई विश्वविद्यालय नहीं, वर्तमान में हम 7 नए विश्वविद्यालय बना रहे हैं। सहारनपुर में मां शाकंभरी के नाम पर एक नया विश्वविद्यालय की स्थापना की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए दान जिस महापुरुष ने दिया था, महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह ने, उनके नाम पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक भी शिलापट नहीं। लेकिन राज्य सरकार ने तय किया है, हम जमीन भी राज्य सरकार की तरफ से देंगे, पैसा भी राज्य सरकार से उच्च शिक्षा विभाग दे रहा है, और राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना हमारी सरकार करने जा रही है अलीगढ़ में। अलीगढ़ में हम लोग आजमगढ़ में एक नए राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना करने जा रहे हैं। और भाइयों बहनों, सरदेव अटल जी की यह कर्म भूमि रही है लखनऊ। लखनऊ में हम लोगों ने प्रदेश के जितने भी मेडिकल कॉलेजेज हैं, इन सब के लिए एक विश्वविद्यालय, चिकित्सा विश्वविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना लखनऊ में युद्ध स्तर पर प्रारंभ हो रहा है। प्रदेश के अंदर विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज में स्थापना की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है, तो साथ साथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित होगा। और एक प्रदेश के अंदर हम लोग अपराध की बढ़ती प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, उसको ध्यान में रख करके भी प्रदेश सरकार ने कार्य योजना तैयार की है। लखनऊ के अंदर यूपी स्टेट पुलिस एंड फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की स्थापना करने की कार्रवाई भी प्रदेश के अंदर हम लोग यहां प्रारंभ करने जा रहे हैं। यानी हर एक क्षेत्र में कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ है, और ये परिवर्तन प्रदेश को, प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने में, प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए, यानी व्यवसाय की सुगमता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए उचित माहौल बनाने के लिए, और प्रदेश के अंदर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने बड़ी मुस्तैदी के साथ, ईमानदारी पूर्वक प्रयास किया। आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जब हम बात करते हैं, जब व्यवसाय की सुगमता की बात करते हैं, तो जीवन की सुगमता भी उसमें उतना ही महत्वपूर्ण है। गरीब को आवास, गरीब को शौचालय, गरीब को विद्युत कनेक्शन, गरीब को रसोई गैस का निशुल्क कनेक्शन, गरीब को रसोई के विद्युत के भी निशुल्क कनेक्शन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान की योजना हो, खाद्यान्न उत्पादन की योजना हो, प्रधानमंत्री स्टैंडअप की योजना हो, प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना हो, मेक इन इंडिया को एक नए रूप में आगे बढ़ाने का हो, और ODOP और आत्मनिर्भर भारत की न्यू के रूप में परंपरागत उद्यम को आगे बढ़ाने का कार्य हो, उत्तर प्रदेश ने इन सभी क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन करके दिखाया है। और आज जब प्रदेश सरकार अपने 4 वर्षों की सफलता की कहानी को आगे बढ़ा रही है, प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में मैंने पहले भी कहा,
यहाँ दंगे होते थे, हर दूसरे दिन दंगे होते थे, तीसरे दिन दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था। और आज मुझे बताते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है, जब सरकार अपना चार वर्ष का कार्यकाल संपन्न करने जा रही है, प्रदेश के अंदर चार वर्ष के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ है। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो कार्य प्रारंभ हुआ, आज उसका परिणाम है अपराधी आज या तो जेल के अंदर है या प्रदेश छोड़ करके कहीं मुंह छुपा करके बैठा हुआ है। उसको प्रदेश के अंदर आने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। उसे मालूम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर रूल ऑफ लॉ को हम पूरी मुस्तैदी के साथ लागू करेंगे और प्रदेश के अंदर कानून के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देंगे। बहन और बेटियों की सुरक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे। आज इसके व्यापक परिणाम हर एक क्षेत्र में देखने को मिले हैं और इसने प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाया है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां नौकरियां बिकती थी, परिवार और खानदान नौकरी के विज्ञापन निकलते ही वसूली के लिए प्रदेश के अंदर अलग अलग, कहीं चाचा, कहीं भतीजा, कहीं मामा, कहीं काका, ये सब महाभारत के सभी रिश्ते एक साथ सामने आ जाते थे। आज प्रदेश के अंदर 4 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी मिली, 35 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में हुए निवेश के कारण नौकरी मिली, 3 करोड़ से अधिक नौजवानों को प्रदेश के अंदर रोजगार और स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त हुई। और कोरोना प्रबंधन में सेवा ही संगठन और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ने जो बेमिसाल कीर्तिमान स्थापित किए, विश्व स्वास्थ्य संगठन को भी प्रदेश सरकार की सराहना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और आज भाइयों बहनों, हम लोग सभी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन अभी एक लंबी यात्रा को लेकर के हम सबको तैयार होना है। ये सब सफलता एक टीम वर्क, सबको एक साथ मिलकर के चलने की जो प्रवृत्ति रही है, सरकार मंत्रिपरिषद कार्य योजना बनाती थी, नीतियां बनाती थी, प्रशासनिक टीम उसको क्रियान्वित करती थी, कार्यकर्ता घर घर ले जाकर के उसको पहुंचाने का काम करता था और मीडिया के माध्यम से एक एक जन तक और देश और दुनिया तक प्रदेश के इन समाचारों को पहुंचाने का काम होता था। ये टीम वर्क जब एक साथ चली तो उसके परिणाम भी प्रदेश के अंदर उसी सकारात्मक और सार्थक रूप में हम सबको देखने को मिले। और हम लोगों ने भी 4 वर्ष के दौरान कभी ये नहीं माना कि काम ज्यादा है, काम का लोड हम लोगों को कभी विचलित नहीं किया, चुनौती हमें कभी विचलित नहीं की, क्योंकि हमने इस बात को माना है। मैं जो शिव मंगल सिंह सुमन जी ने इस बात को कहा था कि सागर की अपनी क्षमता है पर मांझी भी कब थकता है, जब तक श्वासों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है। और भाइयों बहनों, इसी भाव के साथ हम लोगों ने 4 वर्षों तक निरंतर कार्य किया है, प्रयास किया है और आगे भी इसी विश्वास के साथ हम लोग कार्य करना चाहते हैं। यही विश्वास है, यही एक पहल है जहां पर हम सबको 24 करोड़ जनता की उन आकांक्षाओं की पूर्ति करना है जो वर्षों से उसने सोचा था, जिसके बारे में वो कल्पना करता था, कभी सोचता था फलाने राज्य में ऐसा हो रहा है, यूपी में क्यों नहीं हो सकता है। उसकी 24 करोड़ जनता की उन आकांक्षाओं को एक नई उड़ान देने का यह अवसर है और इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाता है कि वह उसे घर घर तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। यह आपकी वो ताकत है जो ताकत हम लोगों को योजनाओं को बनाने और फिर ईमानदारी के साथ उसको क्रियान्वित करने के लिए प्रेरित करती है। आपकी ताकत जो एक सेतु का कार्य करती है शासन और प्रशासन की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए। और आज के इस अवसर पर मैं प्रदेश की जनता का अभिनंदन करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को 4 वर्ष की सफलता के लिए हृदय से बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति, माननीय गृह मंत्री जी के प्रति, भारत सरकार के उन सभी माननीय मंत्रियों, कैबिनेट के उन सभी माननीय सदस्यों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं
जिन्होंने प्रदेश की सफलता की कहानी में पग पग पर अपना सहयोग किया और इन्हें निरंतर एक नई दिशा देने का प्रयास किया। मेरा आप सबसे ये आग्रह होगा, जन गंगा के ज्वार लहर तुम प्रवाह मान रहना, पहरोए सावधान रहना। सावधान रहकर के इस लड़ाई को बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें स्थान से दूसरे स्थान पर आया है। उत्तर प्रदेश छठी अर्थव्यवस्था से आज दूसरी अर्थव्यवस्था बना है। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय पहले से दुगनी हुई है, यानी 4 वर्ष में दुगनी हुई है, लेकिन हमें इसे 3 गुने तक पहुंचाना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में और अर्थव्यवस्था में नंबर 1 का स्थान उत्तर प्रदेश को प्राप्त करना ही है, और इस लक्ष्य को लेकर के अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें निरंतर सावधान होकर के अपने इस डगर को लक्ष्य पर चलते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से प्रदेशवासियों का अभिनंदन करता हूं, आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। 4 वर्ष की असफलता आपके लिए एक नई राह और एक नई दिशा तो दिखाएं, लेकिन कहीं भी हमें उन्माद और अहंकार से न भरे, बल्कि हम और सावधानी के साथ और उमंग और उत्साह के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के सामने अग्रसर हों। इस विश्वास के साथ आप सभी को होली की मंगलमय शुभकामनाएं। आप सबके मंगल में, आपके जीवन में होली जैसे उमंग और उत्साह निरंतर आते रहे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जै जै श्री राम।